सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस लाइन के सामने स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी की वारदात होने से बच गई। शराब ठेकेदार मुकेश टांग ने बताया कि गुरुवार की रात 8 बजे वह शराब के ठेके को बंद करके अपने घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह जब आकर देखा तो ठेके की दीवार में अज्ञात चोर द्वारा सेंधमारी की गई थी। दुकान की जांच की तो दुकान में सभी शराब की बोतलें और नकदी सही सलामत थी। ठेकेदार की माने तो चोर आने जाने वाले वाहनों की आवाज से भाग गया। बहरहाल ठेकेदार ने सिविल लाइन थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। दुकान बटा के निकले थे सर, तो 8 बजे बाद दुकान बटा के लोगों को लगा के सही तरह से निकल गए थे। फिर रात को हम निकले थे तो मैं 9:30 बजे तक यहाँ से वापस राउंड करके निकला था, दुकान चेक करके निकला था बाहर से। तब हमारे 9:30 बजे तक बिल्कुल दीवार एकदम सही थी। सुबह आके देखा हमने दीवार को टूटी मिली, शायद कोई चोर चोरी करने की वजह से अंदर आया है, और कोई गाड़ी वाड़ी आने से या किसी के देख लेने की वजह से वो चोर वापस दीवार कूद के दीवार को तोड़ के भागने में सफल हो गया, जिससे कि हमारी काफ़ी नुकसान होने से बच गया। किस दुकान है? शराब की दुकान है सर, ये पुलिस लाइन पे है, पुलिस लाइन चौराहे गेट के सामने है। तो अंदर कोई माल वाल गया है? माल को ताले तक तो पहुँचने से बच गए, वो कोई गाड़ी वाड़ी आने की वजह से वो निकल गए यहाँ से, वरना ऐसी संभावना है कि गाड़ी आने की वजह से वो भाग गए। तो वो चोरी होने से काफी मतलब नुकसान होने से बच गया, कोई गाड़ी वाड़ी आ गई थी उसे वापस चोरी करने की वजह से आया था। कैमरे चेक करेंगे आप? कैमरे सर अभी हमारे फुटेज हम देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, जैसे फुटेज निकलेगी हम अवेलेबल करा देंगे। थाने रिपोर्ट करेंगे? अभी रिपोर्ट करने जा रहे हैं सर। कौन सा थाना? सिविल लाइंस। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।